हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नई रेसिपी जिसका टेक्सचर तो एकदम कुकीज़ जैसा है बट टेस्ट में ब्राउनीज़ की तरह है बिल्कुल। वीडियो में लास्ट में पर कुकी की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दी है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो आर यू एक्साइटेड? तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में लेंगे एक कप मिल्क। मिल्क जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम पिसी हुई चीनी। चीनी को अच्छे से हम छान लेंगे। दो चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे 60 ग्राम्स बटर। मैं यहाँ सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करेंगे तो 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दें। बटर को हम अच्छे से विस्क करेंगे जब तक बटर जो हमारा वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा मेन इन्ग्रीडियंट जो है डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो अमूल या फिर कोई भी डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। बटर और चॉकलेट को मैंने 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। ये देखिए हमारा बटर और चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हम विस्कर की हेल्प से बटर और चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर और चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 150 ग्राम्स आटा। आटा को मैंने पहले ही छान रखा है। याद रखें बेकिंग करते समय सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमें अच्छे से सीव करना है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 40 ग्राम्स कोको पाउडर, 40-50 ग्राम्स चोको चिप्स। यह हम ट्रिपल चॉकलेट कुकीज़ बना रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट ऐड करी है, चॉको चिप्स ऐड करे हैं, कोका पाउडर ऐड किया है। जो हमारी कुकीज़ बनेंगी एकदम चॉकलेटी बनेंगी। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमेशा सॉफ्ट हैंड से मिक्स करें, अदरवाइज़ जो हमारे केक और कुकीज़ हैं उनमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो हमने मिल्क शुगर रेडी किया था वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बट 2-3 मिनट के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मेरा बैटर रेडी है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में ढक कर रख देंगे। एक बेकिंग ट्रे लेंगे और उसमें बटर पेपर लगाएंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैं अपना कुकी डो निकाल लाई हूँ फ्रिज में से। तो चलिए अब कुकीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डेयरी मिल्क के कुछ पीसेस लिए हैं जिसको हम अपनी कुकीज़ के ऊपर लगाएंगे। आप चाहे तो चोको चिप्स भी लगा सकते हैं। अब एक आइसक्रीम स्कूप लेंगे और एक एक स्कूप करके कुकीज़ बनाएंगे। ये हमारा कोई हार्ड डो नहीं था जिससे हम प्रॉपर शेप दे सकें। ये थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में है तो इसलिए जैसी भी शेप आती है वैसी शेप दे दीजिए। ट्राई करें कि थोड़ा राउंड शेप में आए। अब मैं अपने जो चॉकलेट पीसेज हैं वो लगा देती हूँ। यह हमारी सारी कुकीज़ बेक होने के लिए रेडी है। अब हम 165 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे। ध्यान रखें कुकीज़ जो है हमें मिडल रैक में बेक करनी है। जिस टेम्परेचर पर हमें बेक करना होता है उसी टेम्परेचर पर हम अपना ओवन जो है वो प्री हीट करते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी सारी कुकीज़ बेक होकर रेडी हो चुकी हैं। पूरे किचन में कुकीज़ की और चॉकलेट की खुशबू हो गई है। कुकीज़ को आप 1 वीक तक एयरटाइट कंटेनर में बाहर स्टोर कर रख सकते हैं और अगर लॉन्ग टर्म तक स्टोर करना है तो आप फ्रिज में एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिप लॉक बैग में डालकर रख सकते हैं। एक बार ये चॉकलेट ब्राउनी कुकी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और ध्यान रखें एक ही ब्राउनी कुकी खाएं क्योंकि इसमें 198 के कैलोरीज होती हैं। टाइप बैट आप एक खाने के बाद दूसरी ज़रूर खाएंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें बट चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।